हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरर्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज्योतिर्मय। आज हम एक डिफरेंट कैटेगरी टू व्हीलर के बारे में बात करने वाले हैं, जो बाइक सेगमेंट में भी नहीं आती है और स्कूटर सेगमेंट में भी नहीं आती है, लेकिन ये बहुत ही एक यूज़फुल टू व्हीलर है जिसको हम मोफेट के नाम से जानते हैं। और ये इंडिया का नंबर वन तो होगा ही, क्योंकि वन एंड ओनली मोफेट है ये इंडिया का, जिसका नाम है TVS XL 100। और ये XL 100 का जो BS6 कॉम्प्लायंट वर्सन है वो भी अभी इंडिया में लॉन्च हो गई है। तो आइए जानते हैं इस मोफेट के बारे में, क्या है इसका खास फीचर्स और क्या ये बाइक आपके लिए अच्छा है कि नहीं, या फिर किन लोगों के लिए ये ज़्यादा अच्छा है वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे और भी बाइक रिलेटेड, स्कूटर रिलेटेड या फिर कोई भी टू व्हीलर रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते हैं। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा हम एक्टिव है, वहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलता है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला, ये इंडिया का वन एंड ओनली मोफेट बाइक है और ये दो वेरिएंट में आते हैं। एक है XL 100 हेवी ड्यूटी और दूसरा है XL 100 कॉम्फोर्ट। इसका लुक एक मिक्स टाइप का लुक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत लुक मिलता है कोई भी टू व्हीलर बाइक की तरह और थोड़ा बहुत लुक मिलता है कोई स्कूटर की तरह। यहाँ पे सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक राउंड शेप्ड एक हेडलाइट दिया गया है, जो कि हैलोजिन हेडलाइट है। और इसी हेडलाइट के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लंबा टाइप का एक LED DRL भी दिया गया है। इसके ऊपर अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखेंगे तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक फुल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पे बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ स्पीडोमीटर मिलता है यहाँ पे और कुछ टिल्टिल लाइट्स मिलते हैं यहाँ पे, और दूसरा कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ पे कोई भी फ्यूल इंडिकेटर भी नहीं है। फीचर्स के मामले में अगर देखा जाए तो कॉम्फोर्ट और हेवी ड्यूटी दोनों ही मोफेट के बीच में कोई भी ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है, दोनों ही बाइक में सेम टू सेम चीज़ें ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे लुक में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आप लोगों को देखने को मिलता है, जैसे कि जो हेवी ड्यूटी बाइक है यहाँ पे जो लुक है ये थोड़ा सा नेकेड टाइप का लुक है। और दूसरे साइड में अगर कॉम्फोर्ट मॉडल को देखेंगे तो वहाँ पे सामने का जो हेडलाइट है उसके ऊपर एक वाइज़र दिया गया है, जो वाइज़र थोड़ा सा अलग लगता है। इसके बाद अगर देखेंगे जो सीट है, तो सीट में यहाँ पे जो हेवी ड्यूटी मोफेट है वहाँ पे डुअल स्प्लिट यूनिट मिलता है यहाँ पे। और ये सीट जो पीछे का जो सीट है वो आप हटा सकते हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा लगेज के लिए आप जगह बना सकते हैं। लेकिन जो कॉम्फर्ट मॉडल है वहाँ पे एक सिंगल यूनिट सीट दिया जाता है, जो देखने में भी थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पे ओवरऑल अगर बाइक का ग्राफिक्स को देखा जाए तो हेवी ड्यूटी और कॉम्फर्ट में ग्राफिक्स में भी थोड़ा सा डिफरेंसेस है। और इसका जो सस्पेंशन सेटअप है कॉम्फर्ट का पीछे वाला, वो थोड़ा सा सॉफ्ट किया गया है हेवी ड्यूटी के मुकाबले। इसके बाद अगर हैंडल बार को देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्यूब हैंडल बार का यूज़ किया गया है, जो थोड़ा सा अपराइज्ड किया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है अगर आप सिटी राइड करते हैं या फिर थोड़ा बहुत बाइक को चलाते हैं। लॉन्ग राइड के लिए ओवरऑल ये बाइक का पैकेज उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो लॉन्ग राइड के लिए ये नहीं है। इसके बाद अगर ये मिडिल पोर्शन देखेंगे तो मिडिल पोर्शन में सबसे पहले जो नज़र आता है वो है इसका टैंक। पहले जो BS4 कॉम्प्लायंट बाइक था वहाँ पे 4 लीटर्स का टैंक मिलता था, लेकिन अभी यहाँ पे 5 लीटर्स का टैंक दिया गया है। मिडिल पोर्शन में थोड़ा सा जगह है जहाँ पे आपका थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं या फिर कोई छोटा मोटा बैग है तो वो भी रख सकते हैं मिडिल के पोर्शन में। उसके बाद अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे सीट के बारे में तो पहले ही बोला, यहाँ पे अगर हेवी ड्यूटी बाइक है तो यहाँ पे डुअल सीट यूनिट दिया जाता है, और अगर यहाँ पे कॉम्फोर्ट मॉडल है ये तो एक सिंगल यूनिट सीट यहाँ पे दिया जाता है। अगर ग्रैब रेल की बात किया जाए तो जो कॉम्फोर्ट मॉडल है वहाँ पे पीछे की तरफ एक बैक रेस्ट भी दिया गया है, लेकिन जो हेवी ड्यूटी मॉडल है वहाँ पे कोई भी बैक रेस्ट नहीं दिया गया है। पीछे का जो पोर्शन है इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है हेवी ड्यूटी का, क्योंकि यहाँ पे और भी अगर ज़्यादा सामान आपको लेके जाना है तो वहाँ पे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर टेल लाइट को देखेंगे तो ये एक बल्ब टेल लाइट यहाँ पे यूज़ किया गया है, यहाँ पे कोई भी LED कहीं पे भी यूज़ नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ सामने का DRL ही LED है, बाकी सब यहाँ पे बल्ब ही मिलता है। टायर्स और व्हील की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 16 इंच व्हील बेस मिलता है सामने पीछे दोनों ही साइड में, यहाँ पे एलॉय व्हील नहीं मिलता है, यहाँ पे स्पोक व्हील दिया गया है और ट्यूब टायर्स मिलते हैं। सामने और पीछे दोनों ही तरफ का जो टायर है इसका साइज़ भी सेम है, ये है 2.5 सेंटीमीटर्स का यहाँ पे टायर साइज़ दिया गया है। एग्जॉस्ट को अगर देखेंगे तो ये एक नॉर्मल टाइप का एग्जॉस्ट लगता है, और इसका एग्जॉस्ट नोट जो है वो भी कुछ खास नहीं है।
सस्पेंशन सेटअप की अगर बात किया जाए तो सामने की तरफ मिलता है टेलीस्कोपिक फोक्स और पीछे की तरफ मिलता है डुअल स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन। जो हेवी ड्यूटी बाइक है उसमें थोड़ा सा हार्डर साइड में किया गया है इसका सेटअप, और जो कंफर्ट मॉडल है वहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टर सेटअप दिया गया है। और अगर ब्रेकिंग की बात किया जाए तो सामने पीछे दोनों ही तरफ मिलता है ड्रम ब्रेक, और इसके साथ साथ CVS टेक्नोलॉजी भी मिलता है। अगर इंजन की बात किया जाए तो इस मॉफेट में जो इंजन दिया गया है वो एक 99.7 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, जहाँ पे अभी ETFI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, मतलब इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। जो बाकी सारे TVS के बाइक है वहाँ पे भी मिलता है, वही यहाँ पे भी यूज़ किया गया है। और इसके साथ साथ इस इंजन से जो पावर प्रोडक्शन होता है वो है 4.2 BHP, और इसके साथ साथ 6.5 Nm का टॉर्क भी मिलता है। और ये इंजन में कोई भी गियर शिफ्टिंग का कोई इशू नहीं है, मतलब गियर नहीं लगता है, ये स्कूटर की तरह आप चला सकते हैं, यहाँ पे कोई भी गियर नहीं है, मतलब सामने में भी कोई मतलब क्लच नहीं है। बाएं वाला मतलब लेफ्ट साइड में जो है वो है पीछे वाला ब्रेक, और राइट साइड में जो है वो है फ्रंट ब्रेक। BS6 होने के बाद इस मॉफेट में और भी एक चीज़ ऐड किया गया है, जो है यहाँ पे इंजन कील स्विच पहले नहीं था, वो अभी यहाँ पे दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, इंजन कील स्विच जो है इसके साथ साथ यही आपका स्टार्ट बटन भी है, मतलब यही स्विच को प्रेस करने से बाइक स्टार्ट होता है। और इसके बाद अगर स्टार्टिंग को लेके कोई भी अगर पूछना चाहता है कि इसमें किक स्टार्ट है या नहीं, तो किक स्टार्ट भी मिल जाता है, यहाँ पे किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों का ही ऑप्शन है एक साथ। लुक के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। एक मॉफेट के हिसाब से ये मतलब टू व्हीलर जो है ये एकदम ठीक ठाक है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है या फिर कोई इशू नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है कि इसका जो इंजन पोर्शन है ये बाइक के एकदम नीचे की तरफ दिया गया है, और नीचे की तरफ होने से ये डायरेक्टली जो ग्राउंड है उसके साथ अटैच होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब कोई भी अगर ज़्यादा ऊंचा कोई स्पीड ब्रेकर होगा तो वहाँ पे ये लग सकता है, यहाँ पे इंजन का कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है जो बाद में जाके आपका बहुत सारा पैसा भी लेके जाएगा। तो ये थोड़ा सा इशू है, इसको अगर थोड़ा सा हाइट किया जाता, मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिया जाता या फिर नीचे और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता तो थोड़ा सा अच्छा होता। दूसरे चीज़ों का अगर देखा जाए तो इसका जो वेट है ये है 88 kg फॉर बोथ द बाइक्स, मतलब जो हेवी ड्यूटी बाइक है और जो कॉम्फर्ट बाइक है दोनों ही बाइक का जो वेट है वो सेम है 88 kg, जो बहुत ही कम है मेरे ख्याल से। और इसका जो प्राइस स्टार्ट होता है, मतलब जो हेवी ड्यूटी बाइक है उसका प्राइस है 43,000 rupees एक शोरूम से स्टार्ट होता है, और जो कंफर्ट बाइक है इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, ये है 45,000 rupees एक शोरूम के साथ इसका प्राइस स्टार्ट होता है। तो ये जो दो बाइक है, मतलब दो मॉफेट है, एक है कंफर्ट और दूसरा है हेवी ड्यूटी, इनमें से कौन सा आपके लिए अच्छा होगा कि अच्छा होगा या नहीं वो भी हम बोलेंगे। अगर आपको कोई ऐसा बाइक चाहिए, मतलब ऐसा टू व्हीलर चाहिए जिसमें आपका थोड़ा बहुत बाइक का फील भी चाहिए और थोड़ा सा मतलब स्कूटर वाला फील भी चाहिए, जैसे कि बाइक वाला फील चाहिए उसके साथ कोई भी झंझट नहीं चाहिए, क्लच का, पैर में ब्रेक का, गियर का, ये सब अगर झंझट नहीं चाहिए तो बहुत ही सिंपल है ये बाइक, तो आप कंफर्ट की तरफ जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फैमिली यूज़ के लिए या फिर खुद के यूज़ के लिए। और अगर आपका थोड़ा बहुत सामान यहाँ से वहाँ लेके जाना है, थोड़ा बहुत काम करना है बाइक के साथ, कुछ लेके जाना होता है यहाँ से वहाँ, तो आपके लिए हेवी ड्यूटी जो बाइक है ये ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे एक फन फैक्ट ये है कि ये जो मॉफेट है इसका वेट है सिर्फ और सिर्फ 88 kg, लेकिन ये और भी 109 kg ज़्यादा एक्स्ट्रा इसके साथ लेके जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन ये वेट का जो चीज़ है ये क्लेम किए जाने वाला चीज़ है, मतलब TVS ये बोलते हैं, लेकिन मैंने रास्ते पे तो देखा इससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके जाते हैं, मतलब उसका वेट तो इससे बहुत ज़्यादा ही होगा। और अगर माइलेज की बात किया जाए तो जो BS4 मॉडल था वहाँ पे 50 से लेके 60 तक का माइलेज मिल जाता था, और ये अभी फ्यूल इंजेक्शन के साथ आती है, मतलब यहाँ पे जो माइलेज है ये और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, मतलब लगभग 55 से ऊपर ही मिलेगा, उससे कम तो नहीं मिलेगा माइलेज। तो इस बाइक के बारे में सिर्फ इतना ही था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए क्या ख्याल है आप लोगों का इसके बारे में। और अगर ये बाइक आपको लेना है ये ऑलरेडी अवेलेबल है, प्राइस भी मैंने बोल दिया है, तो आप इसको ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बिना साउंड टनल है।